हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्यूशन की कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, इफ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है एंड एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पॉइंट पी तक हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मतलब बढ़ाते हैं। ड्रॉ अ फिगर, हमें क्या बनाना है, एक फिगर बनाना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे एक फिगर बनाना है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एक रे है वाई क्यू जो बाइसेक्ट करती है आपका एंगल जेड वाई पी को, तो बताना क्या है आपको, फाइंड एक्स वाई जेड एंगल बताना है, माफ करिएगा एक्स वाई क्यू एंगल बताना है और रिफ्लेक्स बताना है किस एंगल का, क्यू वाई पी एंगल का आपको रिफ्लेक्स बताना है। तो आइए ड्रॉ करते हैं फिगर को कि फिगर कैसे ड्रॉ होगा। पहले तो दिया हुआ है आपका एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो हम लोग बना लेते हैं क्या एंगल एक्स वाई जेड को। ये हमने एक एंगल बनाया 64 डिग्री का, हमने कितने डिग्री का, यहां पे गिवन है कि आपका जो एंगल है वो 64 डिग्री का होना चाहिए, तो हमने 64 डिग्री का एंगल बना दिया। हमने इसे क्या मान लिया, ये पॉइंट एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को बढ़ाएंगे पॉइंट पी तक, तो हम लोग इस तरफ इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग इसे पॉइंट पी तक, ये पॉइंट पी हम मान लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट पी तक इसे बढ़ाते हैं। फिर बोल रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू एक रे है यानी वाई पॉइंट से एक रे है क्यू तक जाती है, ये रे क्या कर रही है आपकी एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू इस वाले एंगल के इक्वल होगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो आपको बताना एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपका फिगर बन गया। तो देखिए सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है, टोटल एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जेड वाई पी एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स, जेड वाई पी एंगल प्लस जेड वाई एक्स, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज आपका एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो जेड वाई पी प्लस जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड वाई एक्स की वैल्यू दी हुई है, आप यहां से देखिए जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है क्या आपकी 64 डिग्री, तो हमने यहां पे 64 रख दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जेड वाई पी, ये आपका हो गया जेड वाई P प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब इसको सबस्ट्रेट करेंगे तो जेड वाई पी कितना आ जाएगा, जेड वाई पी आपका आ जाएगा यहां से 100, अब ये 64 इधर पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 116 डिग्री, कितना आ जाएगा 116 डिग्री आ जाएगा, यानी जेड वाई पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 116 डिग्री आ गई, यानी जेड जेड वाई पी 116, यानी पूरा होल वैल्यू कितना आ गया जेड वाई पी के 116 डिग्री आ गया। अब जेड वाई पी को अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस एंगल्स को डिवाइड कर दें, जेड वाई पी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा क्यू वाई पी, दूसरा होगा जेड वाई क्यू,
हो जाएगा। क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमें इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए इस एंगल की और इस एंगल की भी, दोनों का सम तो हमें पता है कितना है 116 डिग्री है, बट हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करें, ब्रेक करें, जेड वाई पी को ब्रेक करेंगे कि इसमें ब्रेक करते हैं जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल आपका क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि YQ रे क्या कर रही है, एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल यानी एंगल QYP इक्वल होगा ZYQ के, क्योंकि वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर या क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आपका क्या आ जाएगा, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जेड वाई क्यू, मैं यहां लिख देता हूं, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज क्या कर रहा है, वाई क्यू जो रे है वो एंगल जेड वाई पी को इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से हम जेड वाई क्यू के जगह हम क्यू वाई पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर वन, अब ये अबव चीज को हम इक्वेशन नंबर वन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट करने पर क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा QYP पहले से है और ZYQ के जगह हम क्या लिख देंगे, QYP, तो QYP प्लस QYP कितना हो जाएगा, 2QYP क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, ZYQ की जगह हो जाएगा QYP प्लस, यहां से मैं ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने ZYQ की जगह QYP रख रहा हूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, मैं समझा दे रहा हूं आप लोग समझ जाइएगा, हम क्या करें, जेड वाई क्यू की वैल्यू जो है इज इक्वल टू क्यू वाई पी हमने निकाला है, क्योंकि क्या कर रहा है, वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, इस वजह से ये इक्वल होगा, तो हमने इसकी वैल्यू जेड वाई क्यू की वैल्यू क्यू वाई पी इज इक्वल टू यहाँ पे जेड वाई क्यू की जगह हमने इसे रख दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री आ गया। अब दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2QYP एंगल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 डिग्री, तो QYP कितना आ जाएगा आपका, जो QYP आएगा QYP 116 डिग्री अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 58 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 58 डिग्री आ जाएगा, यानी QYP के कितना आ गया आपका, तो QYP है एंगल QYP जो है वो आपका कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। आपको क्या निकालना था, QYP निकालना था, बट QYP का रिफ्लेक्स निकालना था, तो आपने QYP निकाल दिया, QYP ये एंगल आपने निकाला 58 डिग्री आ गया, बट यहां पे आपको रिफ्लेक्स ऑफ QYP निकालना है, तो QYP का रिफ्लेक्स क्या होगा, मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसको 360 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हम यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 360 में से हम 58 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा आप लोग सब्सट्रैक्ट करिएगा, कितना आएगा 302 डिग्री आएगा, कितना आएगा ये 302 डिग्री आएगा, तो जो 302 डिग्री आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ QYP क्या आ जाएगा आपका, जो 302 डिग्री आएगा वो रिफ्लेक्स ऑफ QYP आ जाएगा, जो कि पूछा हुआ था रिफ्लेक्स ऑफ QYP आपका यहाँ से आ जाएगा, हमने इसका आंसर निकाल दिया, रिफ्लेक्स ऑफ QYP 302 डिग्री आ गया। अब बताना था XYQ, क्या बताना है आपको, XYQ इसकी वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है QYP किसके इक्वल है, ZYQ के इक्वल है, और आपका XYQ बताना है, तो XYQ इज इक्वल टू क्या होगा,
बोर्ड पे जगह कम है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इरेज करके आप लोग मैं ऊपर सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था। देखिए यहां से आपका क्या आ गया है, QYP आ गया है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था XYQ निकालना था। क्या निकालना था हमें, XYQ निकालना था। तो हम एंगल XYQ को क्या लिख सकते हैं, XYQ इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, XYQ को हम लिख सकते हैं बिल्कुल XYZ प्लस Y प्लस ZYQ। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, एंगल ZYQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। XYQ को हम क्या लिख सकते हैं, XYZ प्लस एंगल ZYQ लिख सकते हैं। XYZ की वैल्यू कितनी है, 64 है, 64 डिग्री है, प्लस ZYQ की वैल्यू कितनी है। तो ध्यान से देखिए, ZYQ किसके इक्वल था, QYP के, किसके इक्वल था ZYQ, QYP के। तो QYP कितना आया था आपका, QYP 58 डिग्री आया था। ये जो है आपका रिफ्लेक्स ऑफ QYP है, ये क्या है आपका QYP है। QYP कितना आया था, 58 डिग्री। तो ZYQ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, QYP। अब ये 64 हो गया, अब प्लस QYP की वैल्यू कितनी आई आपकी, 58 डिग्री आई है। QYP की वैल्यू कितनी आई है, 58 डिग्री आई है। हम यहाँ पे 58 डिग्री पुट कर देंगे, इन तीन इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11 प्लस 1 12 कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा आपका, किसका, एंगल XYQ। आपका एंगल XYQ कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, XYQ को निकाल देंगे। तो ये था पूरा डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। उसके बाद से आप लोग ध्यान से देखिए, XYP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, XYP की स्ट्रेट लाइन है। तो जो इसके इसका जो एंगल बनेगा या एंगल्स का सम क्या होगा, ZYP, एंगल ZYP प्लस एंगल XYZ दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिकॉज ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो सभी एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, हमने कर दिया। ZYX क्यों लिया है, बिकॉज इसकी वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, इससे हमारा ZYP निकल जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ZYP निकाल लिया। ZYP कितना आया आपका, 116 डिग्री आया। अब हमने ZYP को, ध्यान से देखिए, ZYP को हमने क्या किया, दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। बिकॉज YQ क्या रे बाइसेक्ट कर रही थी एंगल ZYP को, इस वजह से ये दो एंगल्स में इक्वली एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने डिवाइड कर दिया ZYP को ZYQ में प्लस QYP में, और दोनों का सम कितना होगा, 116 डिग्री होगा। और अकॉर्डिंग टू द फिगर, या YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP इक्वली, तो वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। एंगल देखिए QYP, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने ZYQ के जगह क्या लिख दिया है, QYP। कहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर 1 में ZYQ के जगह हमने क्या लिख दिया, QYP। देखिए यहाँ पे हमने QYP प्लस QYP ऑलरेडी गिवन था, इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो QYP प्लस QYP 2QYP इज इक्वल टू 116 डिग्री। यहाँ से QYP आपका आ जाएगा 58 डिग्री। तो QYP आपका 58 आ गया, बट पूछा तो ये नहीं था, पूछा क्या था आपका, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP 360 में से 58 डिग्री को, या उस एंगल को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब भी किसी एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना हो, तो उस एंगल को 360 में से हम उसे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो एंगल आता है वही क्या होता है, उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो वैसे ही हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से QYP को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका आ गया 302 डिग्री। तो ये आपका एक आंसर हो गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
क्यू वाई पी यहां से निकल गया। अब दूसरा पूछा था आपका एंगल एक्स वाई क्यू को, किसको, एक्स वाई क्यू को, इस पूरे एंगल को पूछा था, तो हम इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक एंगल क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, प्लस एंगल जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जेड वाई क्यू हमने लिख दिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री है, गिवन था क्यू वाई पी आपने निकाला है कितना 58 डिग्री, हमने उसको वहां पे जेड वाई क्यू लिखा था, तो जेड वाई क्यू किसके इक्वल है, क्यू वाई पी के इक्वल है, क्योंकि फिगर से आप लोगों को पता चल रहा होगा जेड वाई क्यू किसके इक्वल है, क्यू वाई पी के, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, और क्यू वाई पी के इक्वल है तो हमने जेड वाई क्यू के जगह क्यू वाई पी लिख दिया, क्यू वाई पी की वैल्यू पता थी 58 डिग्री, उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पे आपका 122 डिग्री आया, तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 122 डिग्री आ गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे लगाएंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। यहाँ पे दिया हुआ है पी ओ क्यू एक राय आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और रे ओ आर इज, जो रे आपका ओ आर है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब आर ओ क्यू या क्यू ओ आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, और लाइन किस पे पी क्यू पे है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस जो है एक अनदर रे है जो किसके बीच में लाई कर रहा है, ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हमेशा हम लोग बड़े टर्म से छोटे टर्म के तरफ चलते हैं, बड़ा टर्म आपका राइट हैंड साइड है और छोटा टर्म लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे आपका RHS लिखेंगे, RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS क्या गिवन है आपका 1/2 एंगल QOS, QOS माइनस एंगल POS ये गिवन है। इसी से आपको क्या प्रूव करना रहेगा, एंगल ROS आपको प्रूव करना रहेगा, वो हमारा प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एंगल क्यू ओ एस को देखिए, हम इन दोनों को चेंज करने की कोशिश करेंगे किस में, आर ओ एस में, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। तो क्यू ओ एस को देखिए, ध्यान से देखिए फिगर में, क्यू ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, हमारे यहाँ एक टर्म मिल रहा है आर ओ एस, तो हम इसको लिख लेंगे और सही भी है, क्यू ओ एस आर की वैल्यू दी हुई है और आर ओ एस हम उसको लिख सकते हैं, किसको, क्यू ओ एस को, तो क्यू ओ एस को हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल क्यू ओ आर, क्या क्यू ओ आर लिख देंगे, प्लस एंगल आर ओ एस, क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल का सम क्या है, क्यू ओ एस है, और माइनस हम लिख देंगे एंगल पी ओ एस, लिख दिया। अब क्यू ओ आर की वैल्यू पता है कितनी है, क्यू ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री है, क्यू ओ आर की वैल्यू गिवेन है क्वेश्चन में कि ये परपेंडिकुलर है रे आपका ओ आर, इस वजह से इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी, और एक टर्म आपका आ गया आर ओ एस, यही लाना था हमें एंगल पी ओ एस। अब पी ओ एस को हम कैसे ब्रेक करें कि वो आर ओ एस के टर्म में आ जाए, तो देखिए ध्यान से देखिए, पी ओ एस है क्या, पी ओ एस यानी ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है पी ओ एस, अगर ये वाला एंगल है तो हमें आर ओ एस के टर्म में लाना है, तो देखिए पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, यहां पे हमें बता देता हूं, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, इन सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज पहले ही गिवन है कि लाइन पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो जितने भी एंगल बन रहे सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको पी ओ एस निकालना है, तो पी ओ एस यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ओ एस को इधर छोड़ दीजिए, बाकी को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्यू आर की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, तो हम पी ओ एस क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एंगल क्यू आर,
प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री पॉजिटिव है, इसको इधर भेजेंगे तो 90 डिग्री इधर सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, तो आपका आ क्या जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, क्या आ जाएगा आपका पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ऊपर, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे आया है, क्योंकि हमने क्यू आर की वैल्यू 90 डिग्री थी, उसको यहाँ पे रख दिया और इसको राइट हैंड साइड में लेते आया, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, कितना है आपका 90 डिग्री आ गया। हमें पी ओ एस निकालना है, पी ओ एस की जगह आर ओ एस में चेंज करना है, क्योंकि हमें प्रूफ किस में करना है, आर ओ एस में करना है, तो पी ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो नेगेटिव, 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे, पी ओ एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी ओ एस कितना आया है आर ओ एस के टर्म में, क्योंकि हमें आर ओ एस ही निकालना था, यही प्रूव करना था, तो आर ओ एस के टर्म में आया 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 1/2 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस दिया हुआ था, हमने क्यू आर को ब्रेक किया है, माइनस पी ओ एस को क्या लिख देंगे 90 डिग्री, ब्रैकेट लगेगा 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ठीक। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो ये आ कितना जाएगा 1/2 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 डिग्री, और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव 90 डिग्री, ये नेगेटिव 90 डिग्री कट जाएगा और आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा आपका 2 आर ओ एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, रुकिए, ये ऐसे आया है, ठीक, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से फिर यहाँ पे आया, ठीक, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 90 कट गया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस हो गया, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, आर ओ एस आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 2 एंगल आर ओ एस आ जाएगा, आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या एंगल आर ओ एस। अब ध्यान से देखिए, आर ओ एस आपका आ गया, यही क्या है आपका एल एच एस है, ये क्या है एल एच एस है, ये आपका प्रूव हो गया, आपने आर एच एस को पकड़ के एल एच एस लेते आया, तो आपका प्रूव हो गया एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये था पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे करेंगे इसे। इसे आपको फिगर देखा आपने, ये फिगर है और प्रूव आपको करना था एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमने क्या किया, आर एच एस लिखा, आर एच एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे, सर आपने आर एच एस क्यों लिखा, एल एच एस से क्यों नहीं लिया, एल एच एस चूंकि छोटा टर्म है, छोटे टर्म से बड़े टर्म में जाने में प्रॉब्लम होगी, प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं कि प्रूव नहीं होगा, प्रूव हो जाएगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने किससे किया, आपको आर एच एस से एल एच एस आया, यानी बड़े टर्म से छोटे टर्म की तरफ प्रूव किया। तो आर एच एस दिया था 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हमने क्यू ओ एस को ब्रेक कर दिया किस में, क्यू ओ आर में और आर ओ एस में, फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, माइनस पी ओ एस को ऐसे ही छोड़ दिया, क्यू आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 90 डिग्री है, बोला है वो परपेंडिकुलर है, मतलब एक वैल्यू उसकी क्या है 90 डिग्री होगी, प्लस क्यू ओ आर को ब्रेक कर दिया किस में, क्यू ओ एस को ब्रेक कर दिया क्यू ओ आर में और आर ओ एस में, आर ओ एस निकालना था, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सभी जितने भी एंगल्स हैं उसको आर ओ एस में चेंज करें, क्योंकि आर ओ एस ही हमें प्रूव करना था। तो 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस आ जाएगा, माइनस पी ओ एस को टच करेंगे बिकॉज आर ओ एस आ चुका है हमारा, तो पी ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर, पी ओ एस आर ओ एस क्यू ओ आर, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज पी ओ क्यू क्या है एक स्ट्रेट लाइन है,
यहां से हमें क्यू ओ आर की वैल्यू पता थी 90 डिग्री, हमने पुट कर दिया 90 डिग्री, चूंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड था उसको राइट हैंड साइड भेजा तो वो नेगेटिव हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया, तो पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। यहां से मैंने यहां पे लेते आया पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो आपको चेंज किस में करना है, पी ओ एस की जगह आपको आर ओ एस में लाना है, तो पी ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर ओ एस, और इस चीज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, किसको पी ओ एस की जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस आर ओ एस। अब देखिए ध्यान से, हमारा दोनों आर ओ एस के टर्म में आ गया, माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हमने यहाँ पे साइन चेंज करके पॉजिटिव लिख लिया, फिर ऐड किया तो पॉजिटिव 90 डिग्री और नेगेटिव 90 डिग्री आपस में कट जाएंगे, और दोनों पॉजिटिव हैं एंगल आर ओ एस, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा एंगल 2 आर ओ एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एंगल 2 आर ओ एस हो जाएगा, आपका 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 एंगल आर ओ एस से, तो 2 कट गया, क्या बचा आपका एंगल आर ओ एस बचा, और आपका यही क्या है एल एच एस है, तो ये आपका प्रूव हो गया, आर एच एस से हमने एल एच एस लेते आया, तो हमारा प्रूव हो गया ये इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ आप लोग इस पर कमेंट भी करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग अलग अलग किताब से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, जैसे आप लोग जैसे एनसीईआरटी में थोड़े कम क्वेश्चन दिए हैं, और लगभग मैं एनसीईआरटी को यहाँ पे सॉल्व करा ही रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अच्छी बुक है, उससे आप लोग प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए या जिसका सॉल्यूशन आप लोग ना कर पाएँ उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।